आज मैं बनाने जा रही हूँ मिल्क पाउडर की बर्फ़ी। बहुत ही आसान और क्विक रेसिपी है और ये बहुत ही टेस्टी बनती है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें और यदि आपको आज की ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आइए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। मिल्क पाउडर वाली बर्फ़ी बनाने के लिए गैस ऑन करके कढ़ाई गर्म करेंगे। जैसे ही कढ़ाई हल्की गर्म हो जाए हम इसमें डाल देंगे 2 चम्मच घी। घी को पिघल जाने दें। उसके बाद हम इसमें दूध डाल देंगे। तो मैं यहाँ पर 1/3 कप दूध इस्तेमाल कर रही हूँ। इसे ऐसे मिक्स कर लेंगे और साथ ही हम इसमें डाल देंगे मिल्क पाउडर। तो 1/3 कप दूध के लिए 3/4 कप मिल्क पाउडर डालें। गैस का फ्लेम धीमा रखेंगे और इसे लगातार चलाते हुए पकाएंगे ताकि इसमें लम्स ना पड़े। गैस का फ्लेम यहाँ धीमा रखेंगे। पहले 2 मिनट धीमी आँच पर इसे मिक्स कर लेंगे। उसके बाद गैस का फ्लेम मीडियम कर लेंगे और मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए इसे पकाएंगे। तो यहाँ पर मिल्क पाउडर जो है अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें चीनी डाल देंगे। चीनी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर 2 बड़े चम्मच चीनी डाली है। चीनी डालने के बाद मिक्सर जो है हल्का सा पतला होगा, उसके बाद गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। चीनी डालने के बाद हम इसे 4 से 5 मिनट मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे, या फिर आप इसे तब तक पकाएं जब तक कि मिक्सर गाढ़ा नहीं हो जाए। तो यहाँ पर मिक्सर गाढ़ा होना शुरू हो गया है, आप देख सकते हैं। हमें इसे तब तक पकाना है जब तक कि यह पैन की सतह नहीं छोड़ने लगे। तो बस हमें इसे इतना ही पकाना है। मिल्क पाउडर डालने के बाद 4 से 5 मिनट और फिर चीनी डालने के बाद 4 से 5 मिनट मीडियम फ्लेम पर। थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि मिक्सर जो है पैन की सतह छोड़ने लगा है। यहाँ पर हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। इससे ज़्यादा इसे नहीं पकाएंगे, नहीं तो बर्फ़ी जो है कड़ी बनेगी। तो यहाँ पर मैंने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है। अब मिक्सर को हम एक प्लेट या ट्रे में निकाल लेंगे। तो यहाँ पर मैंने थाली में पहले से घी ग्रीस कर लिया है। इसके बाद मिक्सर डाल देंगे। चम्मच में थोड़ा सा घी लगा के इसे ऐसे स्मूथ कर लें। थोड़े से ड्राई फ्रूट से गार्निश करेंगे। आप चाहें तो इसमें काजू या पिस्ता, आपको जो पसंद है आप वो लगा सकते हैं। मैंने थोड़े से बादाम लगाए हैं बर्फ़ी की सजावट के लिए। अब इसे हम सेट होने के लिए 1 घंटे फ्रिज में रखेंगे। आप चाहें तो इसे फ्रीज़र में भी रख सकते हैं 15 से 20 मिनट के लिए। 1 घंटे बाद मैंने इसे फ्रिज से निकाला और ये देखिए बर्फ़ी अच्छे से सेट हो गई है। इसे अब हम कट कर लेंगे। बर्फ़ी का शेप आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। आप चाहें तो इस बर्फ़ी को तुरंत खाएं या फिर फ्रिज में 4 से 5 दिन तक रख के आराम से खा सकते हैं। बहुत ही आसान है इस बर्फ़ी को बनाना और इसे बनाने में आपको मैक्सिमम 10 से 15 मिनट लगेंगे। तो यहाँ पर मैंने बर्फ़ी को कट कर लिया है और ये देखिए ये हमारी मिल्क पाउडर वाली बर्फ़ी बन के बिल्कुल तैयार है। ये देखिए कितने अच्छे से सेट भी हुई है। तो आप भी इस आसान और झटपट बनने वाली मिल्क पाउडर की बर्फ़ी को ज़रूर ट्राई करें। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। यदि आपको आज की मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल भी ज़रूर से क्लिक करें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की सारी नोटिफिकेशंस मिलें।